ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पायरोविक एसिड है वो अब एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में राइट right? तो पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में अब एंटर करने वाला है वो इनिशियली मेरे पास थ्री कार्बन कंपाउंड है पहले हम बात कर चुके हैं ना बच्चों लिंक रिएक्शन होगी और ये लिंक रिएक्शन भी साइटोप्लाजम में है मैंने बताया है आपको तो जो लिंक रिएक्शन है उसमें ये पायरोविक एसिड कन्वर्ट होगा दो कार्बन के कंपाउंड में विच इज कॉर्स एसीटाइल को ए ठीक तो है इट्स को इनजाइन ए तो एसिटाइल को मतलब तीन कार्बन से दो कार्बन आपको बनाना है तो सी यू टू रिलीज हो जाएगी मतलब ये प्रोसेस कैसी हो गई बेटा डी है ना डीकार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से जो सी ओ टू है हमारे वो निकल जाएंगे बेटा यहाँ पे पायरोविक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ है तो इसीलिए जो प्रोटॉन्स रिलीज़ होंगे उन प्रोटॉन्स को मेरा एन ए डी पी पॉजिटिव कलेक्ट कर लेगा पिक कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें में एन ए डी एच में राइट को इनजाइम ए ग्रुप जो है वो एसिटाइल को ए पर कनेक्ट हो गया है ना एसिटाइल ग्रुप पे कनेक्ट हो गया तो इट बिकम्स एसिटाइल को ए राइट तो इस तरीके से अगर मैं दो पायरुबेट के मॉलिक्यूल्स ये मैंने एक पायरुबेट के लिए बात की बेटा है ना और ग्लाइकोलिस में मेरे पास एक बारी में दो पायरुबेट आते हैं तो अगर दो पायरुवेट के लिए बात करोगे तो सारी चीज़ों को टू से मल्टीप्लाई कर दो मतलब दो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होंगे है ना यहाँ पे चार प्रोटॉन्स होंगे दो एन होंगे और इसीलिए मेरे पास आउटकम क्या आएगा बेटा टू सीओ एंड टू एन आई होप दिस मेक सेंस राइट ईजी है तो ये मेरी लिंक रिएक्शन हो जाएगी और लिंक रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद ये मेरे पास आउटकम है क्या बोलती है बेटा हमारी लिंक रिएक्शन कि लिंक रिएक्शन में पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है अभी मैंने आपको बताया है टू कार्बन कंपाउंड में विच इज कॉल्ड एस एसिटाइल को ए और ये हमारी ग्लाइकोलिसिस और क्रैप साइकिल दोनों के बीच की लिंक है इसलिए इसको अपन ने लिंक रिएक्शन बोला इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ती है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल दोनों का साइमल्टेनियसली चल रहा है ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और हाइड्रोजन दोनों का ही रिमूवल साइमल्टेनियसली चल रहा है इसलिए दिस इज डी एज वेल एज डी ऑक्सीडी सॉरी डिहाइड्रोजनेशन, राइट तो ये दो स्टेप्स मेरी होंगी और इसीलिए ये प्रोसेस हमारी एक लिंक रिएक्शन एक कोऑर्डिनेटेड लिंक रिएक्शन हो जाती है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड साइकिल अब देखिए ऐसे टाइल कोए जो माइटोकॉन्ड्रियल मेट्रिक्स में फॉर्म हुआ है बाय पायरुवेड डीहाइड्रोजेनेजर दिस इज पायरुवे डीहाइड्रोजेनेस ये इस एंजाइम से बना हुआ है तो डीहाइड्रोजेज यहाँ पे ये कंटीन्यूशन इस एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीशियम है मेरे पास लिपोइक एसिड है है और एन एडी और को ये सब जब कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेट्रिक्स में अब एसिटाइल कोए को एंटर करवा दिया जाएगा ठीक है तो एसिटाइल कोए एंटर होगा और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लगेगा मुझे इंजाइम का वो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे लिपोइक एसिड मैग्नीशियम एन कोफैक्टर ए और पायरोफॉस्फेट ये तीन चीज़ें मेरे पास चार चीज़ें मेरे पास प्री प्रेजेंट होंगी आगे बढ़ते हैं बेटा फॉर सपोज अब मैं प्रोसेस की शुरुआत करूँ तो ये पायरुविक एसिड जिसने को ए से कनेक्शन किया जिसने कोइंजाइम ए से रिएक्ट किया तो इस प्रोसेस में पायरुवेद डीहाइड्रोजनियस कॉम्प्लेक्स मतलब मैग्नीशियम लिपोइक एसिड टी पी पी ये तीनों इन्वॉल्व हैं यहाँ प्रोटॉन्स रिलीज होंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन टू कोए दिस इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई इसलिए दिस इज डी राइट और ये जो एन है ये एन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा जो प्रोटॉन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलीज़ होंगे ठीक है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इस तरीके से ये एक रिडोक्स रिएक्शन हो गई किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों और किसी दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ये एसिटाइल कोए जो है ये कंडेंसेशन से बनाए बेटा और ये एसिटाइल कोए अब चाहें तो आप फैट मेटाबॉलिज्म में इसे भेज सकते हैं वहाँ पर भी ये काम में आ सकता है या आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं फिलहाल में इसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज करूंगी राइट तो ये एसिटाइल एक कॉमन इंटरमीडिएट है तो अब चलिए हम इस कॉमन इंटरमीडिएट से होने वाली मतलब पायरोविक एसिड को एसेटाइल कोए में क्यों कन्वर्ट किया बेटा क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया के मेट्रिक्स में एंटर करके क्रैप साइकिल करवा सकता है तो क्रैप साइकिल हो इसके लिए हमने क्या करा है पायरुबिक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाला है तो जो साइकिल होती है बेटा उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सर हेन्स क्रैब जिनके नाम पर ही इस साइकिल को हमने नाम दिया हुआ है और ये साइकिल कहाँ होगी बेटा तो इट विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ आर सेल इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी ओवरऑल दिस इज द साइकिल द एंटायर साइकिल फिलहाल हम जहाँ हैं वो भी मैं बता देती हूँ हम इस पोजिशन पे हैं बेटा इसके ऊपर वाली जो प्रोसेस थी वो ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है जो हम बात कर चुके हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जो पायरूवेट है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ अब एसिटाइल को ए एंटर करेगा इनटू द क्रैप साइकिल ये क्या करेगा बेटा ये रेगुलरली अपना जो को है ना वो छोड़ता रहता है पकड़ता रहता है और फिर ये एसिटाइल को A का कंडेंसेशन करके हम साइट्रेट बना देंगे फिर साइट्रेट से हम ये पूरी साइकिल कंडक्ट करेंगे मैं पहले एक बार साइकिल के सिर्फ सबस्ट्रेट बता देती हूँ आपको एक एक रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे देखिए ग्लाइकोलिसिस होने के बाद मुझे पायरोट मिला पायरोट से एसिटाइल कोए बन गया ये एसिटाइल कोए जो है ये डी कार्बोक्सलेशन से मिला हुआ प्रोडक्ट है इसे कंडेंस करके मैंने साइट्रेट बना लिया साइट्रेट से सिस एकोनिटेट बना लिया डी आइसोसाइट्रेट बना लिया ये हो गई दोनों प्रोसेस आइसोमराइजेशन की आइसोसाइट्रेट से अल्फ़ा ग्लूटरेट ये डीहाइड्रोजिनेस डीहाइड्रोजनेशन सेकेंड रिएक्शन है टू रिएक्शन है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से सक्सीनेट इसमें भी एन रिलीज हो जाएगा दिस इज थर्ड डी कार्बॉक्सिलेशन रिएक्शन एंड डिहाइड्रोजनेशन सक्सीनाइल कोए का कोए रिलीज हो जाएगा और सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा हमारे पास तो सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट बन गया सक्सीनेट से फ्यूमरेट अगेन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन और फ्यूमेरेट से मैलेट मैलेट से ऑक्जेलो एसिडेट अगेन रिहाइड्रोजनेशन मैलेट से ऑक्जेलो एसिटेट इज अगेन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो यहाँ पे फाइनली जब ऑक्जेलो एसिडेट आपको मिल जाएगा तो ये वेट करेगा जब अगली बार को एंजाइम ए रिएक्ट करे तो सॉरी एसीटाइल को ए रिएक्ट करे तो जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को या एसीटेट को एसिटाइल को ए मिला

ओवरऑल अगर साइकिल में देखें तो देखिए यहाँ पे एनएडीएच बन रहा है मेरे पास यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बन रहा है टोटल चार एटीपी बन जाते हैं इसमें उसके अलावा यहां पे एनएडीएच बन रहा है है ना तो ये तीन जगह और चौथी जगह यहाँ शुरुआत में बन गया तो चार जगह मेरे पास एनएडीएच बन रहा है एक जगह मेरे पास सबस्ट्रेट लेवल ए बन रहा है विच इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी राइट सो आई होप दिस ब्रीफ Clear, अब हम हम इसका में एक-एक बात करेंगे। तो चलिए की की शुरुआत करते हैं बेटा। होती है को A से जो कि ऑक्टिक एसिड एसेट के साथ रिएक्ट करता है एसेटिक एसेटिक चार कार्बन का प्रोडक्ट है है ना? और एसिटाइल को जो है, वो दो कार्बन का है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो को इन्ज़ाइम तो बाद में वापस से बाहर निकल जाना है यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो होती है कंडेंसेशन की और इसमें जो मेरे पास कंपाउंड बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड वी ऑल्सो कॉल एज टी सी ए साइट्रिक एसिड जो है ना ये पहला स्टेबल कंपाउंड है यहाँ पे इसीलिए इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है सी सी ए है ना तो साइट्रिक एसिड यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट है को निकल गया दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन अब साइट्रिक एसिड पे एकोनिटेज काम करेगा विच इज एन आयरन कंटेनिंग एंजाइम और ये इसे आइस्यूमराइजेशन uh, या इसका आइसोमर बना देगा विच इज कॉल्ड एज सेस एकोनिटिक एसिड से सिकोनिटिक एसिड बहुत कम समय के लिए बनेगा बेटा एक इंटरमीडिएट है काफ़ी कम समय के लिए बनेगा और तुरंत उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा आइसोसाइट्रेट में तो आइसोसाइट्रेट मेरे पास नेक्स्ट स्टेबल कंपाउंड हो गया प्रोडक्ट हो गया तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली पहला तो एसिटाइल कोए को ऑक्जैलो एसिड आसेट के साथ रिएक्ट करवा के सिंथेटेज के प्रेजेंस में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड पे अब होगी मेरे पास आइसोमराइजेशन की प्रोसेस जहाँ पे इंजाइम है अकोनेटेज आयरन कंटेनिंग एंजाइम है जो इसे कन्वर्ट करेगा सिस अकोनेटिक एसिड में और सिस एकोनिटिक एसिड आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रेट में अब आइसोसाइट्रेट का फेट क्या होगा देखिएगा इस आइसोसाइट्रेट पे एन पॉजिटिव काम करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इंटू ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड ये ऑक्सीडेशन है है ना ये ऑक्सीडेशन है बेटा तो जो प्रोटॉन्स निकले हैं वो एन पकड़ लेगा और एन किसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा एन टू में यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ डीहाइड्रोजनेज हाइड्रोजेनेस एंड द प्रोसेस इज डिहाइड्रोजनेशन तो ये आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजेनेस नाम का इंजाइम प्रोसेस में एक्टिव होगा और इसके होने से जो प्रोटोन्स रिलीज होंगे वो प्रोटोन्स किस को किस में कन्वर्ट कर देंगे एन ई डी पी पॉजिटिव को एन ई डी एच में कन्वर्ट कर देंगे आई बात समझ में सो दिस इज वॉट इज ऑक्जिडेटिव डी कार्ब ऑक्जिडेशन डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट में दिस इज डी कार्बोक्लेशन रिएक्शन एक कार्बन कम हो जाएगा आपका तो छः कार्बन से पाँच कार्बन बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया यहाँ पे सी ओ टू रिलीज हो जाएगा सो द प्रोसेस इज देयर फॉर डी कार्बोक्सिलेशन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन राइट right? और क्योंकि डी हो रहा है तो एंजाइम भी कौन सा होगा बच्चों डी नाम का एंजाइम आयन कौन से यूज होंगे मेटालिक आयन मैंगनीज आयन्स यूज होंगे यहाँ पे राइट right? तो सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट ठीक है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा है ना दिस इज दिस इज नाउ गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज तो एंड द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट विड बी सक्सिनाइल को यहाँ पर भी पांच कार्बन से मैं मैं कार्बन रिड्यूस कर रही हूँ आप समझने मेरी बात पांच कार्बन से मैं चार कार्बन पे आ गई हूँ तो अब इसीलिए सी ओ क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा तो हो गया ना कार्बन कम का? आपने पांच कार्बन में से एक कार्बन माइनस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया तो प्रोसेस क्या हो गई डी फिर से वही सेम स्टेप हो रही है सेम रिएक्शन हो रही है डिकार्बॉक्सीन हो रही है दैट इज रिमूवल ऑफ सी कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से कार्बन का नंबर कम हो गया सक्सीनाइल कोए बन गया बस ये कोए पे फोकस करना को इन्जाइम ए जो है ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है आगे चल के हमको यही एनर्जी बना के देने वाला है तो दिस को इन्जाइम इज़ प्रोड्यूस जो इंजाइम रिक्वायर्ड है यहाँ पर डीहाइड्रोजेनेज एंजाइम है एन ए डी इज़ कन्वर्टेड इंटू एन ए डी एच टू और एन ए डी एच टू बन गया मतलब फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो गया आई बात समझ में और एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है यहाँ पे फिर से मेरा वो कॉम्प्लेक्स यूज़ हो रहा है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था टी पी पी एल ए और मैग्नीशियम आयन जिसके मेन कॉम्पोनेन्स हैं Right? अब जो सक्सिनाइल कोए है वो जो कि फो कार्बन कंपाउंड है वो सक्सिनिक एसिड को इंजाइम ए ये अल्डीहाइड जो है है ना क्या हो रहा है बेटा अल्डीहाइट इज कन्वर्टेड इन टू सक्सिनिक एसिड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है को इंजाइम ए निकल गया ये पहली बार आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है क्योंकि यहाँ पे जी डी पी से जी टी पी बन गया इंजाइम रिक्वायर्ड इज थाइनेस तो जो आपका एनर्जी का पहली बार फॉर्मेशन हुआ है साइकिल में अभी तक आपने कुछ भी इनपुट नहीं किया, ध्यान रखिएगा है ना कुछ भी डाला नहीं है उल्टा दो बार आपने एनडीएच बना लिया है अभी पहली बार आप यहां पे एटीपी बना रहे हो इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी दिस इज जीटीपी कपल्ड ए है ना इसका क्या मतलब है कि GTP जो है उसने फॉस्फेट लिया वो फॉस्फेट किसको दे देगा बेटा ATP को दे देगा दे ये इसे ATP को दे देगा दे और ATP को दिया तो ATP ADP कन्वर्ट uh, हो जाएगा किसमें ATP में कन्वर्ट हो जाएगा तो GTP बना साथ के साथ ATP बन गया तो ये पहली बार आपने एनर्जी बनाई है इसीलिए दिस इज इस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और जो एनर्जी है वो बेसिकली आ, इनको बॉन्ड को ब्रेक करने में कोइनजाइम ए को यहाँ से हटाने में जो मुझे एनर्जी रिलीज होगी मेरी उस एनर्जी को मैं यूज कर लूँगी जीडीपी को जीटीपी बनाने में आई बात समझ में मतलब मतलब जीडीपी क्या हो गया है ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट इसको जीटीपी में ट्राई में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया बेटा एनर्जी को दिया है है ना एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया है एनर्जी कहाँ से इंट्रोड्यूस किया आपने आपने जो ऊपर के फॉस्फेट बॉन्ड थे उन बॉन्ड को या को इंजाइम जो था इस को इन्जाइम को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी किसने पकड़ ली जीटीपी ने पकड़ ली है ना या एडीपी ने पकड़ ली और एटीपी बन गया जीडीपी ने पकड़ ली और जीटीपी बन गया सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एस जीटीपी कपल्ड एटीपी सिंथेसिस राइट तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फिर सक्सिनिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूमैरिक एसिड में यहाँ पे जो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे वो एफ पकड़ के एफ में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है ना ये रिडक्शन हो गया वो ऑक्सीडाइज्ड है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है ये है ना और यहाँ पे जो इंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड ए सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इन मैलिक एसिड ये सीधी सीधी रिएक्शन है इंजाइम इज फ्यूमेरेज चार कार्बन से चार कार्बन ही बनाया है फ्यूमरेज सॉरी मैलिक एसिड और मेलेट इज नाउ कन्वर्टेड इन टू ऑब्जेलो एसिटिक एसिड ये हम रिएक्शन के बिगिनिंग पॉइंट पर पहुंच गए वापस से मतलब अब मैलेट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेलो एसिटिक एसिड में जो कि मेरा फर्स्ट कंपाउंड था अभी ये एसिटाइल को ऐसे रिएक्ट करेगा और फिर से साइकिल को क्या करेगा कंटिन्यू करेगा इस रिएक्शन में एन ए डी एच से एन ए डी पॉजिटिव से एन ए डी एच टू बन गया है एंड दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वुड बी रिएक्शन

एफ ए डी से एफ ए डी एच टू बन गया है ना एन ए डी पॉजिटिव से एन ए डी एच बन गया और जो पायरोविक एसिड था दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड और बस तुम्हें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही गया है तो कह दो कि दिस इज़ कम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ना यहाँ पे ये कम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है बेटा ठीक है लेकिन ये जो प्रोटॉन्स हैं ये प्रोटॉन्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी फाइनली एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन प्रोटॉन्स तो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट कर लेंगे और जो ऑक्सीजन है उनका फाइनल एक्सेप्टर कंपाउंड हो जाएगा मेरे पास वाटर तो पानी उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा आई एम सो सॉरी नॉट पानी इलेक्ट्रॉन विल बी यूज बाय ऑक्सीजन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म मेटाबॉलिक वाटर तो क्रैप साइकिल में आपको मेटाबॉलिक वाटर मिलता है और वो क्यों मिलता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद आपको मेटाबॉलिक वाटर मिलता है क्यों मिलता है बेटा क्योंकि ई में जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर है वो कौन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होता है इनमें से कुछ प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो जाएंगे और फिर क्या बनेगा आपका मेटाबोलिक मॉटर तो ये होती है हमारी क्रैप साइकिल इसके पहले जो हमने डिस्कस की थीट वॉज ग्लाइकोलिस माइटोकॉन्ट्रियल मेट्रिक्स में होती है पूरी प्रोसेस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ द नंबर ऑफ सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल देखो सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेन हमने एक जगह पड़ा था बेटा है ना पर uh, जो एसिडाइल को है ना वो दो मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक साइट्रिक एसिड साइकिल में एक बार दो साइट्रिक एसिड साइकिल में दो बार है ना तो आंसर शुड बी टू दैट इज थ्री वन जस्ट अ मिनट हमारे पास वन टर्न है और टू टर्न लेट मी सी वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल तो ऑफकोर्स द आंसर इज वन एक साइट्रिक एसिड साइकिल में या क्रैप साइकिल में हमने यहां पे बीच में जीटीपी से जीडीपी बनाया था या एटीपी बनाया था तो एक एसिटाइल कोए से जब आप शुरू करते हो ना बनते दो एसिटाइल कोए एक एसिटाइल कोए एक क्रैप साइकिल कर रहा है फिर एक और एसिटाइल कोए दूसरी साइकिल करेगा दो साइकिल मिला के हो जाएंगे हमारे पास दो बार ए का या जी का फॉर्मेशन विच इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक साइकिल में इट वुड बी वन तो आंसर वुड बी वन राइट से ये यहां पे हो रहा है और एक ऐसे टाइल कोए है ये एक जीटीपी से जीडीपी बन गया है ना या एटीपी बन गया एंड तीन बार साइकिल के अंदर तीन बार एन और एक बार एफ बनेगा और एक एन ए डी एच यहां पर बनेगा है ना ये समरी है साइकिल की अभी हमने देखी है आपको याद आ गई होंगी चीजें राइट लेट इस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस ये क्वेश्चन आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस uh, की प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है जहां पे एनएडीपीएच uh, का फॉर्मेशन नहीं होता रेस थ्री थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ठीक है एनएडीपीएच2 एनएडीएच बनता है और अल्टीमेटली जो एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस तो ऐसे मिलिट्री पावर के फॉर्म में बनता है बेटा सो लाइट रिएक्शन में ए और एनएडीपी बनता है ऑक्सीजन बनता है एनएडी नहीं बनता एन नहीं बनता ठीक है